नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज सतना प्रवास पर थे, जहां उन्होंने मैहर पहुंचकर मां शारदा की पूजा अर्चना की, साथ ही देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ विस्तारक कार्यक्रम में शामिल होकर ये बात कही और भाजपा की नीति रीति से लोगों को अवगत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। सोशल मीडिया में गुना सांसद केपी यादव का पत्र वायरल होने के मामले में वीडी शर्मा ने कहा कि वे चर्चा करने की बाद ही कुछ कह पाएंगे। मां शारदा का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आज वैसे में हमारी बूथ विस्तारक योजना है, जो संगठन काम के विस्तार और कार्य के सुदृढ़ीकरण के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश बूथों को सक्षम बनाने के अभियान में जुटी है, तो उसी निमित्त आज मैं मैहर आया हूँ। लेकिन माँ का आशीर्वाद लेकर के कि हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मध्य प्रदेश के सुख संपत्ति और वैभव के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और शक्ति और ताकत मिले, ऐसा माँ आशीर्वाद दे परिवार पर और हम सब लोगों पर। माँ का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ सकें। आशीर्वाद लेने के लिए आज माँ का दर्शन मैंने किया। मुझे ये जानकारी मिली है, मैं केपी यादव जी से बात करूंगा और उन्होंने पत्र लिखा है, क्या हुआ है इसके बारे में एक बार उनसे बात करने के बाद ही कोई बात मैं कह सकता हूँ। अभी कुछ नहीं कह पाएंगे, अभी बात करूंगा।